डास कैपिटल की किताब लिखी गई थी मार्क कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, यहूदी अनासिर। फ्रैंकफर्ट में लिखी गई आया रेवोल्यूशन रूस के अंदर व्लादिमीर लेनिन के हाथ, उसी के नीचे उसका चमचा था या उसका स्टूडेंट था जोसेफ स्टालिन, द मैन ऑफ स्टील कहा जाता था उसको, लोहे का बंदा, बड़ा जालिम था। और उसके मरने के बाद जब उसने पावर ले ली तो वर्ल्ड वॉर टू का मामला खत्म हो गया। वो यूएसएसआर का जो ख्वाब था कि वो ईस्टर्न यूरोप को और नॉर्दर्न यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले ले, उसका ख्वाब चिकना चूर किया हिटलर ने, अडोल्फ हिटलर। जर्मनी से ये नाजी पार्टी कहां से आ गई कुछ समझ ही नहीं आ रही, और यहां पे एक जी बड़ा मुसोलिनी से इंस्पायर्ड होके एक बड़ा जो है ना फियर्स काइंड ऑफ लीडर, उसकी फायरी स्पीचेस, वो लोगों को ऐसे नाजी पार्टी क्रिएट किया। और उसने कहा कि वहां पोलैंड तक पहुंच गया, उसने पूरे यूरोप को कब्जा करना शुरू किया। जोसेफ स्टालिन कहता है ये तो बाबा मुझसे भी कोई बड़ी शय आ गई है, नहीं तो यूएसएसआर का ख्वाब था पूरा यूरोप ले लेने का। तो जब हिटलर को शिकस्त हुई तो फिर रूस अमेरिका के साथ एक एलाय बना हुआ था उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, उन्होंने कॉन्फ्रेंसिस की थी कि हिटलर तो दफा हो गया, जर्मनी तो दफा हो, जर्मनी का मामला तो खुल गया, अब लोग छोटे छोटे ममालिक यूरोप में जो है जो जर्मनी के इन्फ्लुएंस में थे वो सारे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें, हिटलर तो चला गया। वहां पर यह क्वेश्चन हो गया कि दोनों डेमोक्रेसी के जो है ना वो जो बांसुरियां बजाई जा रहे हैं, लेकिन जब ट्रूमैन की कॉन्फ्रेंस हुई या डॉक्ट्रिन पेश की गई, जब वो याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद उनको पता चला विंस्टन चर्चिल को, और उससे पहले जो था वो इसके अंदर कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का प्रेसिडेंट और जोसेफ स्टालिन, ये तीनों बैठे हुए थे उसके अंदर ट्रूमैन से जो पहले था, उन्होंने देखा कि बीन तो दोनों डेमोक्रेसी की बजा रहे हैं, लेकिन किसकी डेमोक्रेसी, एक तो कम्युनिस्टिक आइडिया है और दूसरा कैपिटलिस्टिक आइडिया है, तो किसकी किसकी चलेगी। यहां से पता चला जोसेफ स्टालिन को यहां तो डश मार्क और डॉलर बिल की लड़ाई चल रही है, तो डॉलर बिल जो है वो तो ऊपर आएगा, तो डॉलर बिल कैपिटलिज्म है, वहां पे कम्युनिज्म है। यहां पर जो है जोसेफ स्टालिन ने यू टर्न मारा, उसने कहा ना यहां तो बात हो रही है अब कुछ और, तुम्हारे नजदीक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कुछ और है, हमारे नजदीक कुछ और है। तो अब क्या किया गया, खत्म मामला, कोई याल्टा कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं हुआ, पेरिस कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं हुआ, एंड रिजल्ट्स क्या निकले, बिग लाइंस ऑफ डिमार्केशंस एंड अल्टरकेशंस स्टार्टेड, टेरिटोरियल बाउंड्रीज, जिसका जो पावर लगा वो उसने ले लिया। उस वक्त से ये कोल्ड वॉर आज तक अमेरिका की चल रही है। एक तरफ कहते हैं जी यूएसएसआर का डॉलर बिल जो बिल है वो ऊपर आ जाए, और दूसरा अमेरिका कहता नहीं जी डॉलर बिल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चले, और मुसलमानों का हाल मेरा ये हाल, बूट की टो चाटता हूं मैं, और इनका यह कहना देख मेरे फर्श पे भी आके ना रींग। इलामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से कहा था कि ये तो मुसलमान का हाल है, ना इनकी दवा जनीवा में है स्विट्जरलैंड, ना इनकी दवा पेरिस में है, ना लंदन में, क्योंकि फरंग की रगे जा पंजाई यहूद में है, द फ्रैंकिश एम्पायर ऑफ शार्लेमेनिए इज आर द हैंड्स ऑफ जूश क्लॉज, पंजा, तो पंजे में आ गई, अब क्या करोगे। और इसकी तरफ मैं आता हूं, मैं भी आऊंगा इस पॉइंट की तरफ कि ये जो यूनाइटेड नेशंस एंड द लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाई गई थी, और आज ये नेटो का क्या फड्डा चल रहा है जो आज नेटो फोर्सेस भी पीछे हो गई है, यूक्रेन के मामले में क्यों नहीं वो कोई हेल्प हो रही, कोई मदद नहीं, उसकी वजह मेंबरशिप, दीज ऑल द मैटर्स ऑफ मेंबरशिप, ऑल द मैटर्स ऑफ मनी मेकिंग स्टफ, सब बकवासात कर रहे टीवी पे आके, हम दर्द है, हम दर्द, कोई किसी का हम दर्द नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ मनी पावर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स बिटवीन वन नेशन टू अनदर, और वो वही होगा जिसका जो दिल चाहेगा वही होगा, क्योंकि यूनिटी किसी के अंदर नहीं है, यूनिटी तो है सिर्फ मादा प्रस्त मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो रही है यहां पर। ट्वाइस आर्म्ड इज ही हू कॉज़ेस जस्ट एंड थ्राइस आर्म्ड इज ही हू गेट्स इन फर्स्ट, रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, खत्म। अब जस्ट थे कि नहीं जस्ट थे, कहानियां बनाओ, मीडिया आओ, येलो जर्नलिज्म करो, शुगर कोटिंग करो, व्हाइट जर्नलिज्म करो, बकवासा दिन रात करो और पैसा कमाओ, तुम्हारे जो रेटिंग्स के चैनल्स की रेटिंग्स बढ़ेंगी, अब ये सारा मामला चलता है, लेकिन असल में इस ये किस डायरेक्शन बात जाती है, फायदा कौन लेता है, कैपिटलिस्ट, गरीब मारा जाएगा, कमजोर मारा जाएगा, ये इसके नुकसान होते हैं। तो अब पॉइंट समझें, ये जंग है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की, स्टैंड
रूस वो अपना ख्वाब अब दोबारा रिस्टोर करना चाहता है जो उसकी बल्कनाइजेशन हुई थी सोवियत वॉर में, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था सोवियत वॉर को ख़त्म करने के लिए और सोवियट्स को ख़त्म करने के अफगानिस्तान के साथ मिल के। और क्या पता ये जो रूस का मामला कल को पाकिस्तान के ऊपर से इसने बदला ले लिया, एक काइंड ऑफ बदला ले कि ठीक है हमने तुमने हमसे लिया था अभी हम तुम्हें, क्या पता अल्लाह रहम करे कोई ऐसा फ्रेम हो जाए फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम पड़ जाए, हु नोस, डोंट नो। और उनका जो ग्रेटर ख्वाब तोड़ने का जो उन्हें पर्शियन गल्फ सी का तेल लेना था उसके अंदर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वर द मेजर की रोल प्लेयर्स टू ट्रॉपल डाउन सोवियत आर्मी, जिसकी वजह से वे बल्कनाइज हो चुके हैं, बल्कनाइजेशन, और उनके टुकड़े 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 हो गया, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। अब वो सारे इंडिपेंडेंट स्टेट रूस वापस लेना चाहता, रूस का तेल का निज़ाम टॉप पे चला गया, उनकी एक्सपोर्टिंग ऑफ गैस नंबर टू पे, अब उनको उन्होंने सारा अपना एंगल्स फिगर आउट करके ही अटैक किया। ऐसे थोड़ी अटैक हो जाता है रातों रात, चाइना सपोर्ट में होगा, चाइना कम्युनिस्ट है, साउथ और नॉर्थ कोरिया की डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, यू नो दैट कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया डिवाइड इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस आ रहा था, अमेरिका भी गया आर्मी लेके, लेकिन बहरहाल जो नॉर्थ का टुकड़ा था वो बचा सके, साउथ बच गया, तो वो तो उनके साथ, चाइना तो उनके साथ ही होगा डेफिनेटली। इंडिया क्या करता है अल्लाह आलम, मैंने जिसा बोला एक मरासी कौम है, भंग पीवी कौम है, इन्हें इनका क्या पता है क्या करना है इन्होंने क्या नहीं करना, बस ऐसी एक कौम है, डगमगाई कौम है, आईटी में आगे चले गए, मरासीपन में आगे हैं, नाच गाना शराब जिना प्री मैरिटल सेक्स एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स उनके ड्रामे हर किस्म के ही आपको मिलेंगे, अब शादी रवाज खत्म, रस कस्टम खत्म, राइट्स रिचुअल्स खत्म, ये तो मुसलमान उनके बीच में रहते कोई हया और शर्म के बीन जो बांसुरी इनके बीच में बचती है नहीं, तो ये भी इनके अखलाकियात खत्म। हिंदुइज्म से कोई चीज इन्होंने अब नहीं लेनी, दे आर जस्ट सेक्युलर स्टेट, और ऊपर डमीज पपिट्स बिठाए हुए हैं जो आरजी तौर पे बैठे हुए हैं और दिन रात बकवास करते हैं, जी हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, देख लेते कौन क्या कर लेता है, बस ये इनकी डेफिनेशन, रेप नेशन, इट्स अ रेप नेशन और रेप हेवन फॉर द होल वुमेन इंडिया। तो असल में ये पॉइंट है। अब रूस और रशिया, अब आप चलते हैं उस पॉइंट की तरफ कि ये जो नेटो है और नेटो है या ये जो लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस है, ये क्या है। सबसे पहले बात समझे, जब जोसेफ स्टालिन का यू टर्न हुआ तो उस टाइम जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थे यूरोप के, उनको एक खौफ तारी हो गया कि जो सोवियट्स हैं ये कभी भी आके हमसे ये सारी चीजें छीन सकते हैं जैसे उन्होंने जार से छीनी, तो उन्होंने एक फोर्स क्रिएट की नेटो। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से कि ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, और उनके लेड जो थे विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन एंड रूजवेल्ट, फायदा नहीं हुआ उन्हें। आगे चलें, फिर पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में, फिर 6 में चर्चिल की आयरन कर्टन स्पीच आई, फिर आपको अगर आप चलते जाएं तो लॉन्ग टेलीग्राम ऑफ नोविकोव्स टेलीग्राम, इसके आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है जिससे यू टर्न मारा गया, जोसेफ स्टालिन ने यू टर्न मारा, मार्शल प्लान आया बिलियन डॉलर्स की जो है ना ईस्टर्न और वेस्टर्न जो ब्लॉक था उसको दिए गए, मार्शल प्लान एक जो था उसको बिलियन डॉलर्स की अमेरिका डॉलर्स ने उनको कहा कि आप हमारी तरफ हो जाएं, जिसके से विंस्टन जो जोसेफ स्टालिन था वो और कहते हैं ना कि अलर्ट हो गया, विजिलेंट हो गया, क्योंकि वो चाहते हैं डुशमार्क है वो ऊपर आए, वो कहते हैं डॉलर बिल ऊपर आए, पैसों से एक दूसरे को खरीदने की कोशिश की गई, वो एक और रीजन था जिसमें जो वेस्ट जो ईस्ट जर्मनी था वो मार्शल प्लान में आ गया, और वेस्ट जर्मनी सॉरी जो ईस्ट था वो ब्लॉक करके कर दिया गया उसने जोसेफ स्टालिन ने, और द वेस्टर्न जो पार्ट ऑफ द जर्मनी था वो फिर उसके मार्शल प्लान के अंदर चला गया। कॉमन फॉर्म क्रिएट की गई रशिया ने किया, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, कॉमिकॉन का फायदा नहीं हुआ। जो मेन पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं, क्रिएशन ऑफ नेटो, नेटो का आगाज होने की वजह यही थी कि प्रोटेक्ट किया जाए यूएसएसआर से, लेकिन जब आपको पता है जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गई थी, सोवियत यूनियन जब बनी थी और ये डिसॉल्व हो गई थी, रशिया जो था यूएसएसआर और फिर ये रूस पर रह गया सिर्फ, उस टाइम जो नेटो का अफसर था उसने क्या बोला था, जो जनरल था उसने कहा था अब हमें कोई खतरा नहीं है यूएसएसआर से, कब्र बन चुकी है उसकी, बट नाउ वी हैव अ थ्रेट ओनली फ्रॉम हु, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स। अब नेटो खड़ी की गई इस्लाम के खिलाफ,
इस्लाम के खिलाफ करो, इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम नहीं इनको नहीं भूलता, इस्लाम नहीं इनको भूलता, इसका खौफ नहीं इनको भूलता। अब ये सुन लीजिए, क्रिएशन ऑफ नेटो क्यों की गई थी। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो वॉज एस्टेब्लिश एज अ मिलिटरी अलायंस बिटवीन द यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप। An attack on one member would be considered as an attack on all members. It was in effect as a military alliance with an aim of defending the West against communism. It wasn't just a promise either. 5 divisions of US troops were based in Germany. West Germany joined NATO in 1955, adding millions more troops. Main key point kya tha? The northern territories hain अटलांटिक, खास तौर पे वो सारी प्रोटेक्ट की जाए यूएसएसआर के खिलाफ। इलामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी जब लीग ऑफ द नेशंस बनी थी। ये नेटो लीग ऑफ द नेशंस के अंडर चलता है, ये इसकी बॉडी है, वन ऑफ द बॉडीज ऑफ लीग ऑफ नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस, अब न्यू टर्मिनोलॉजी में क्या, लीग ऑफ नेशंस बनी थी जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, एंड उसको रिप्रेजेंट किया गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, विल्सन वुड्रो या वुड्रो विल्सन ने। उसके अंदर 14 नुकात थे, 14 पॉइंट्स उसने पेश किए थे, जिस तरह शेक्सपियर के जो है सोनेट्स होते हैं ना, उस तरह के 14 पॉइंट्स पेश किए गए थे। और उसके अंदर उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था अब हम दोबारा वर्ल्ड वॉर जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, अब सबको प्रोटेक्शन और पीस नाम रखा द लीग ऑफ द नेशंस। वो स्टार्ट की गई थी स्विट्जरलैंड के अंदर और पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। स्टार्टर था वुड्रो विल्सन, लेकिन कांग्रेस ने उसको अमेरिका की सपोर्ट नहीं किया तो वो उसका पार्ट नहीं बन सकी। अमेरिका वाज नॉट द मेंबर ऑफ लीग ऑफ द नेशंस। इलामा इकबाल ने इतनी खूबसूरत प्रोफेसी दी 30s में, उन्होंने कहा ये जो लीग ऑफ द नेशन, ये तो सिस्कियां खा रही है, दम तोड़ रही है लीग ऑफ द नेशंस। ओ मुसलमानों, ना तुम्हारी दवा है जिनीवा स्विट्जरलैंड लीग ऑफ नेशंस में कुफार के, ना तुम्हारी दवा है पेरिस या लंदन में, क्योंकि फ्रंग की रगे जा है पंजा यहूद में। अब फ्रैंकिश एम्पायर का दौर है, वो तो उनको पकड़ लिया, अपने पंजे में पकड़ा हुआ है, तुम लोग क्या कर लोगे। हमारा इस्लाम मुसलमानों का सिर्फ हल एक ही, जो आखिर में बताऊंगा कि आज हम लोगों के साथ क्या है। और दूसरी बात, ये डिसॉल्व होगी 1949 में। इलामा इकबाल ने जो प्रोफेसी थी वो ठीक निकली। व्हाट अ जीनियस मैन ही वाज, व्हाट अ जीनियस मैन, कि ये डिसॉल्व हो रही, और डिसॉल्व होगी उनके बनने के बाद डिसॉल्व हुई। फिर यूनाइटेड नेशंस बनी, उसके अंदर जो था, फिर जो अमेरिका का सदर, ब्रिटेन, फ्रांस, वही ममालिक, उन्होंने कहा अब हम इसको पक्के तौर पे, जो वुड्रो विल्सन था उसको जो स्ट्रोक हो गया था, उसके 14 नुकात को आगे एक्सटेंड किया और फिर एक नेशन क्रिएट किया और उसके चार्टर्स बनाए और चार्टर्स को सिग्नेटरीज बनाए कि ये मुल्क उसके साइन करेंगे तो हम उसकी प्रोटेक्शन में लाएंगे। और उसकी एक बॉडी है नेटो, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक बॉडी है। एजुकेशन सिस्टम, उसकी एक बॉडी है। सोशल लॉज, पॉलिटिकल लॉज, इकोनॉमिकल लॉज, ये सब उसकी सब बॉडीज हैं। ये सारा यूनाइटेड नेशंस के अंडर चलता है और इनकी अपनी एक सेपरेट ट्रूप्स हैं, यूएन ट्रूप्स कहते हैं, जो ये मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं और देखते हैं कि ये मुल्क इन चीजों को फॉलो करे। तो ये बनाई गई लीग ऑफ द किसके लिए, ये नेटो बनाई गई इसी खौफ जो पहले चलता रहा, वही इसकी सब बॉडी है इसके अंदर भी। मेन रीजन बनाने की थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद सोवियट्स, अब उसी की कंटिन्यूएशन चल रही है, लेकिन अब इस्लाम से थ्रेट है। ये सारा मामला मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब आगे क्या होगा, एक आर्क ड्यूक जो था फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन, एसेसिनेट हुआ अपनी बीवी के साथ 1910 से पहले के आसपास। मिलियंस लोगों ने अपनी जाने दी वर्ल्ड वॉर वन, एक शख्स ऑस्ट्रो हंगेरियन, उसका क्या लेना देना, जर्मनी मिला, फलाना मिला, नॉर्थ एक्सिस मिल गए और एलाइज बन गए, और कितने मिलियन लोगों ने जाने दिए एक शख्स के ऊपर। यहां तो एक सोवियन स्टेट है यूक्रेन, उस पर आप कब्जा कर रहे हो, तो उससे क्या आपको पता क्या डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। पॉइंट ये नहीं है अबाउट यूक्रेन, द पॉइंट है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पुटिन। अब यहां तो यहां तक बात खत्म हो गई, आगे क्या करेगा। अब यूक्रेन के बाद नेक्स्ट, लेट सपोज अगला जो नेबर है इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, उन सबको अब यहां पर टेंशन लग गई है, एंड यूनाइटेड किंगडम, ये सारा यूरोप है। अब यहां क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कहीं ये वहां ना जाए, जिससे हिटलर जो था, तभी तो उसको कह रहे पुटिन इज अनदर हिटलर, हिटलर भी तो पोलैंड तक पहुंच गया था। नेक्स्ट 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 टू द लेफ्ट, गो, कीप गोइंग टू द वेस्ट एंड गेट ऑल ऑफ इट।
ये आग जो अमेरिका को एकदम लग गई है वो ये लग गई है कि वो कम्युनिज्म का जोसेफ स्टालिन का वो ढांचा ये पुतिन पूरा ना कर दे और हम लोग क्या करेंगे। तो अब क्या है, होना क्या है, होगा ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अब वही वाली बात आ जाएगी, हमारे साथ हो कि नहीं हो। अगर कल को वो आगे बढ़ा या यूक्रेन का मामला और एस्केलेट हुआ तो वहां पे एलाइज और एक्सिस पावर्स बनना शुरू हो जाएंगी। तुम किसके साथ हो, हमारे साथ हो कि उसके साथ हो, और हर बंदा अफेक्ट होगा, हर बंदा अफेक्ट होगा। और मुझे लगता है कहीं ये वो जो नबी की जो हदीस थी जो कहते थे सोवियत में पूरी होगी, हो सकता अब पूरी हो जाए कि तुम लोग रूस जो क्रिश्चियंस के साथ मिलके एक ऐसी कौम से लड़ोगे जो कम्युनिस्ट टाइप के होंगे, क्या पता अब वो पूरी होने जा रही हो। 99 जो कत्ल होंगे, क्या पता अब मुसलमानों का जवाल आ जाए, कहीं इन्हीं बातों से एस्केलेट होते होते, अल्लाह जानता है, ये तो अल्लाह ही जानता है, ये ना ही हो तो अच्छी बात है, ये मामला जो है दफन हो जाए अच्छी बात है। लेकिन एक इंसान की फोरसाइट या इंसान की एक प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, कुछ एनोलॉजी तो होनी चाहिए, कुछ सिंथेसाइजेशन तो होनी चाहिए, कि बैठे रहो बस सोचते रहो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा।